हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट और टिफिन के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। सुबह की भागदौड़ में जब हम बहुत जल्दी में होते हैं तो बच्चों के टिफिन के लिए सोचते हैं क्या बनाया जाए। तो आइए आज मैं दिखाती हूँ आपको बेसन और हम खीरे से एक बहुत टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, इसको बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए घंटी के बटन को दबाइए मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस हेल्दी चीले को बनाना। ये चीला हम बेसन और क्यूकम्बर यानी कि खीरे की हेल्प से बनाएंगे। बहुत डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे इसको, बहुत अलग तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे ताकि बच्चों को बहुत अपीलिंग लगे और उनको बहुत टेस्टी भी लगे। तो ये देखिए, इसको बनाने के यहाँ पर हमने आधा कप बेसन लिया है, तो मोटा या फिर महीन कैसा भी आप वैरायटी का बेसन ले सकते हैं। इसमें आप डाल दें ग्रीन चिलीज, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कितनी भी ग्रीन चिलीज काट कर ऐड कर सकते हैं, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने यहाँ पर कद्दूकस करके ऐड किया है, आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीब, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो इन सारी चीजों को डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसमें और ज़्यादा कुछ भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीला है, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो पर हम इसको जब बाद में बनाएंगे, अभी आप देखिएगा इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें पानी मिक्स कर दें और इसका गाढ़ा घोल बना लें। तो जिस तरह से चीले का बैटर होता है उस तरह से पानी डालकर इसका हमें घोल बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं घोल हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड क्यूकम्बर यानी कि कद्दूकस किया हुआ खीरा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक खीरा लिया है जिसको हम इसमें कद्दूकस करके ऐड कर देंगे। तो खीरा आप ऐड कर दें और मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से आप मिक्स कर लें और बस हमारा बैटर चीला बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना इजी नाश्ता है ये, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आजकल गर्मियों का सीज़न है तो खीरा बहुत इजीली अवेलेबल आपको होता है और बेसन भी सभी के घर में होता है। दोस्तों, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ आप ये नाश्ता सुबह बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास बाई चांस कभी खीरा नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर ऐड कर दें, कोई भी सब्जी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसमें ग्रेटेड आप कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट बनकर ये नाश्ता तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तो हमारा बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम तवा गरम करने रख देते हैं। तो ये देखिए, तवा हमारा गरम हो गया है, इस पर हम डालेंगे चीले का बैटर। तो इस तरह से चीले का बैटर डाल दें। ये देखिए, लगभग 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ये देखिए बैटर डाल रही हूँ। स्प्रेड कर दें अच्छे से इवनली और इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से सेकना होगा। तो साइज डिपेंड करता है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो और छोटा आप बना सकते हैं, अपने लिए बना रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए तो थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं। बच्चों के लिए बनाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप छोटे छोटे बनाएं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको छोटे छोटे चीले बहुत पसंद होते हैं। हर चीज़ जो होती है उनको छोटी मिनी साइज में पसंद होती है, तो आप मिनी क्यूकम्बर चीला उनको बनाकर सर्व करें, बहुत बढ़िया ये लगेगा। तो ये देखिए, चीले को आपको लो मीडियम फ्लेम पर सेकना है। अब साइड्स में आप ऑयल लगा दें, एजेस पर अच्छे से ऑयल लगा दें और इसको आप लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक जाने दें। जब ये नीचे से सेक जाएगा तब इसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए, हल्का सा ब्रश कर रही हूँ मैं ऊपर से हल्का सा ऑयल, ताकि जब इसको हम पलटें तो कलर अच्छा सा आए। तो इसको देखिए मैंने पलट दिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम पलट कर भी नीचे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और नीचे से भी ये सिककर बिल्कुल तैयार है। हमारा खीरे का चीला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा चीला बना है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि ये चीला तो हर कोई बनाता है और इसको बनाना बहुत आसान है, पर मेन इसकी प्रेजेंटेशन है जो मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। तो ये देखिए, चीले हमने बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। तो बच्चे जो होते हैं वो लुक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, उनको लुक्स देखने में अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम एक चीला लेंगे और इस पर आप लगा दें थोड़ी सी टोमेटो केचप, क्योंकि हर बच्चे को टोमेटो केचप बहुत पसंद होती है। अगर आप खुद भी ये खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। टोमेटो केचप लगाने के बाद में ये देखिए, इस तरह से आप थोड़ा सा कद्दूकस करके पनीर इस पर लगा दें। जी हाँ फ्रेंड्स, पनीर जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही बढ़िया ये रहेगा, बहुत ही प्रोटीन रिच है। और ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाल दें, थोड़ा सा चाट मसाला हम भुरकेंगे और उसको इसके बाद हम रोल कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं, अपने लिए बना रहे हैं तो इस पर आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, कैसे भी इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको आप रोल कर दें।
तो ये देखिए हमने इसको रोल कर दिया है। अब इसको आप कितने भी पार्ट्स में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दो पीसेस में इसको कट कर रही हूँ, और कट करके आप इसको एल्युमिनियम फॉइल में आप लपेट कर बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो रोटी पराठे तो आप रोज ही रखते हैं, पर आप कभी ये चीला बनाकर रखिए। बहुत ही आसान है इसको बनाना, साथ ही बहुत हेल्दी भी है और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी अपने घर में बनाइए ये क्यूकम्बर चीला, चाहे तो ब्रेकफास्ट के लिए बनाइए, टी टाइम स्नैक के फॉर्म में बनाइए, या बच्चों के टिफिन में बनाइए। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इजी रेसिपी जिसको मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया है, जिसको मैंने केचप डाली है जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है, साथ ही हमने पनीर का यूज किया है जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इसको अपने घर में बनाइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद अ न्यू रेसिपी। बाय।